दोस्तों, ये तो सबको पता ही होगा कि सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है। आपने कई बार ट्राई किया होगा, ढेर सारे अलार्म लगाए होंगे, सुबह जल्दी उठकर क्या करना है यह भी डिसाइड किया होगा, मगर जैसे ही अलार्म बजता है तो सब भूल जाते हैं और कंबल से प्यारा और कुछ नहीं लगता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 3 चीजें सिखाएंगे जिसके बल पर आप हर सुबह आसानी से उठ पाएंगे। हर कोई जानता है कि सुबह जल्दी उठना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आपने इसे कई बार आजमाया होगा, कई अलार्म भी लगाए होंगे, यहाँ तक कि तय किया होगा कि आप सुबह उठकर क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अलार्म बजते ही आपकी प्रेरणा क्यों फीकी पड़ जाती है, वे और आपके कंबल से ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं लगता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको अपने जीवन में सिर्फ 3 बदलाव करने होंगे जिसके बाद आप हर सुबह आसानी से उठ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप वो 3 चीजें सीखेंगे जो आपको जल्दी उठने में मदद करेंगी, चाहे वह सुबह 4 बजे हो या 5 बजे, आप बिना चूके पहले उठ सकेंगे। तो अब हम हमारे 3 समाधानों पर चलते हुए पहले यह समझते हैं कि जब आप जल्दी उठते हैं, मान लीजिए कि आप एक दुकान चलाते हैं जहां आप इडली डोसा बेचते हैं, आपके सबसे अच्छे और सबसे वफादार ग्राहक सुबह 4 बजे आते हैं, क्या आप उनसे कहेंगे कि नहीं, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मेरी नींद बहुत कीमती है? आप ये कह ही नहीं सकते। आप सुबह 4 बजे दुकान खोलकर बैठ जाओगे। इसी तरह सुबह आपके पास आपके सबसे शक्तिशाली, महानतम और सबसे रचनात्मक विचार आते हैं। उस समय यदि आप इस दुकान को बंद करके सोते रहेंगे तो वे सभी विचार सुबह सुबह व्यर्थ हो जाएंगे। सूर्योदय से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस दौरान आपका ध्यान, एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और मन की शांति अपने चरम पर होती है। इतना ही नहीं, इस समय के दौरान आपका सात्विक गुण अपने चरम पर होता है। दोपहर आपका राजसिक गुण बढ़ता है और सूर्यास्त से आपका तामसिक गुण बढ़ता है। इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को सोने में बर्बाद न करें। यदि आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं, नए ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं या अपनी आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, सुबह के समय की तुलना में इसे करने का बेहतर समय है। तो आइए जानें कि सुबह जल्दी कैसे उठें। आपको क्या लगता है, सुबह 5 बजे उठने के लिए आपको किस समय अलार्म लगाना चाहिए? 4 बजे, 4:30 बजे या सुबह 5 बजे? चलो बताओ, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं है। मेरे दोस्त, अलार्म सुबह 5 बजे के लिए नहीं बल्कि 9 बजे के लिए सेट करें। रात 9 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाएं। रात 9 बजे के लिए अलार्म सेट करें। जी हाँ, रात 9 बजे के लिए। जल्दी उठने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी सोने के लिए तैयार हो जाना होगा। अगर आप जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो रात 9 बजे तक सो जाएं। रात 9 बजे, लेकिन मुझे रात 9 बजे कभी नींद नहीं आती। बिल्कुल, आपको नींद भी कैसे आएगी? हम देर रात तक इन गैजेट्स से चिपके रहते हैं। ये सभी उच्च उत्तेजना वाली गतिविधियां हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करती हैं और इंद्रियां उन्हें अत्यधिक उत्तेजित करती हैं। उच्च उत्तेजना गतिविधियों में शामिल हैं इंस्टाग्राम पर लैपटॉप स्क्रॉल करना और सोशल मीडिया पर टीवी शो देखना, तेज संगीत सुनना, देर रात तक काम करना। रात में ये स्क्रीन एक नीली रोशनी का उत्सर्जन करती है जो आपके मस्तिष्क को मेलाटोनिन नामक रसायन को स्रावित करने से रोकती है। मेलाटोनिन नींद को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है। स्वाभाविक रूप से जैसे ही अंधेरा हो जाता है, आपका मस्तिष्क आपको सोने में मदद करने के लिए मेलाटोनिन का उत्पादन करना शुरू कर देता है। इसके साथ आपके मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है, रात का समय है, सो जाओ। लेकिन अगर आप देर रात तक इन स्क्रीन्स को देखते रहें तो आपका मस्तिष्क मेलाटोनिन का उत्पादन नहीं करेगा। आपके मस्तिष्क को सोने का संकेत नहीं मिलेगा, आप समय पर नहीं सोएंगे और अलार्म के माध्यम से स्नूज करने के बाद घंटे बीत जाएंगे। तो अभी अपने फोन में अलार्म सेट करें, अलार्म ऐप खोलें, रात 9 बजे के लिए अलार्म सेट करें और इसे हर रोज दोहराने के लिए सेट करें। यदि आप अलार्म को नाम देना चाहते हैं तो आप इसे नाम दे सकते हैं, बिस्तर में जाओ और नीचे जाओ। यदि आप इस वीडियो को फिर से देख रहे हैं, इसे रोकें और हर रात 9 बजे के लिए अभी अलार्म सेट करें। अभी जब हर रात 9 बजे अलार्म बजता है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बंद कर दें और बिस्तर पर चले जाएं। कोई भी उच्च उत्तेजना वाली गतिविधि न करें बिस्तर में। इसे कम उत्तेजना गतिविधि से बदलें, जैसे किताबें पढ़ना, पत्रिका लिखना या सुखदायक संगीत सुनना। इसलिए याद रखें,
जल्दी उठने की तैयारी पिछली रात से शुरू होनी चाहिए। आओ जल्दी उठने के दूसरे तरीके पर चलें। दूसरा तरीका, एक मजबूत सुबह बनाएं। दिनचर्या। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आपको अगले दिन कुछ बड़ा करना होता है, जैसे फ्लाइट पकड़ना, परीक्षा देना, आप सुबह आसानी से उठ जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जब आप अपने सिर में एक योजना लेकर सोते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है और आपकी आंखें सुबह अपने आप खुल जाती हैं। अगर आपके पास जल्दी उठने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जल्दी नहीं उठेंगे। तो जल्दी उठने का दूसरा तरीका है एक प्रेरणा पैदा करना। सुबह की दिनचर्या उस दिनचर्या को इतना प्रेरक बनाएं कि यह आपके जल्दी उठने का कारण बन जाए। आपका जीवन, हर किसी का ध्यान करने का तरीका अलग होता है। कोई पत्रिका के माध्यम से ध्यान करता है, कोई जप द्वारा ध्यान करता है, कोई आध्यात्मिक अध्ययन के माध्यम से ध्यान करता है, कोई जप करके इस दौरान। आपकी आध्यात्मिक साधना जो भी हो, आपको जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से आता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के दौरान करें। आपका मन पूरी तरह से शांत है और आप आसानी से ध्यान कर सकते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या का दूसरा अहम आंदोलन है, चाहे वह योगासन अभ्यास हो, चलना, दौड़ना, जॉगिंग, नृत्य, तैराकी या कोई अन्य खेल। और तीसरा अहम वह समय है जब आप अपनी याददाश्त तेज करते हैं। इस समय के दौरान आप किताबें पढ़ सकते हैं, चाहे ये किताबें स्वास्थ्य, आत्मविकास या आध्यात्मिक पर हों। आप एक नया कौशल भी सीख सकते हैं। सुबह 5 बजे जीरो व्याकुलता का समय है। आपके फोन पर कोई सूचना नहीं चल रही है, 5-6 लोग आपके घर में आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। और इसीलिए लेखक, कवि, विचारक, कोई भी सफल व्यक्ति, वे इन सुनहरे घंटों को कभी भी उनके माध्यम से सोने में बर्बाद नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि सुबह सुबह मन रचनात्मकता का एक पावर हाउस है। इसलिए ध्यान, आंदोलन, महारत, इन 3 एम ने मेरी निजी जिंदगी में काफी मदद की और हमने इस अवधारणा को 5 एम क्लब नामक पुस्तक में सीखा है। यदि आप वास्तव में इस वीडियो से लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी एक नोटबुक और पेन प्राप्त करें और लिखें कि आप ध्यान, आंदोलन और निपुणता के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक को दें गतिविधि, एक निर्दिष्ट समय और स्थान। आप इसे वास्तव में कब करेंगे और आप इसे अपने घर के किस हिस्से में करेंगे उसे भी लिख लें। जहां आप सोते हैं वहां ध्यान, गति और साधना न करें, क्योंकि आपका बिस्तर सोने की ऊर्जा को वहन करता है। यदि आप अपना ध्यान और महारत करने के लिए बिस्तर पर बैठते हैं, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप आधे घंटे बाद सोएंगे। हर गतिविधि को एक निर्दिष्ट स्थान दें। तो संक्षेप में, आप केवल तभी जल्दी उठेंगे जब आपके पास एक ठोस उद्देश्य होगा और एक प्रेरक सुबह की दिनचर्या आपके जागने का कारण हो सकती है। इसके बाद भी जल्दी उठें। अगर आप अलार्म के बाद अपने आप को झपकी लेते हुए पाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने अलार्म को बिस्तर से दूर रखें, ताकि आपको उठना पड़े और इसे बंद करने के लिए चलना पड़े। जल्दी उठने का तीसरा तरीका, अपना रात का खाना हल्का और स्वस्थ बनाएं। यदि आपका रात का खाना ऐसा दिखता है यह या ऐसा, फिर जल्दी उठने को अलविदा क्यों? क्योंकि इस तरह भारी अनाज खाने से आपके पेट में सिर्फ पचने में 5-6 घंटे लगेंगे। जब आपके शरीर में पचाने के लिए इतना भारी पदार्थ होता है तो वह आपको गहरी नींद नहीं दे सकता है, याद रखें। तो अगर आपका शरीर कुछ समय के लिए हल्की नींद ले रहा है हर रात को 5-6 घंटे, फिर नींद आने में ज्यादा समय लगेगा और आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। मूल रूप से ऐसे भोजन करने से आपको ज्यादा नींद की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? रात का खाना हल्का बनाएं ताकि आपको गहरी नींद आए। रात के खाने में आप सूप और उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं या एक बड़ा कटोरा ताजा सलाद ले सकते हैं। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो सब्जियों के साथ कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन अनाज कम और सब्जियों को 2 गुना कर सकते हैं। यदि आप 1 कटोरी अनाज ले रहे हैं फिर 2 कटोरी सब्जियां, यदि 2 कटोरी अनाज तो 4 कटोरी सब्जियां। मूल रूप से रात के खाने के लिए अनाज की मात्रा कम करें। जितना अधिक अनाज हम खाते हैं उतना ही हमें सोने की आवश्यकता होती है। और हां, अपने रात के खाने की मात्रा कम ना रखें, अपना पेट भर लें। दरअसल टेबल से उठने से पहले अपने पेट में कुछ जगह छोड़ दें। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप कभी भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। और हां, अपने खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें।
तो अगर आप रात 9 बजे सोना चाहते हैं तो कोशिश करें कि रात का खाना 7 बजे तक खा लें। देर से रात का खाना, आप सुबह देर से उठेंगे यदि आप जल्दी उठने के लिए और अधिक सहयोग चाहते हैं, या आप एक ऐसे समुदाय में शामिल होना चाहते हैं जो हर दिन सुबह 5 बजे उठता है, या अपने जीवन को साधारण से असाधारण में बदलना चाहते हैं, या आप एक ऐसे समुदाय में शामिल होना चाहते हैं जो हर दिन सुबह 5 बजे उठता है, या अपने जीवन को साधारण से असाधारण में बदलना चाहते हैं, तो 21 दिवसीय सुबह 5 बजे की चुनौती के लिए हमारे साथ आएं इस कार्यशाला में। हम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑनलाइन मिलते हैं। इस वर्कशॉप में हम अपनी सुबह की दिनचर्या, रात की दिनचर्या और जीवन को सामूहिक रूप से सुधारते हैं। हो सकता है अकेले इस आदत को स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इस चुनौती में आप अकेले नहीं होंगे। सुबह 5 बजे आपके साथ हजारों लोग जाग रहे होंगे। अगली सुबह 5 बजे की चुनौती के लिए रजिस्टर करें। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और बुद्धि स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।